Instagram, Instagram, Instagram. Of late, Instagram has become a very useful tool for everyone, be it a business or an influencer or a artist या फिर आपके और मेरे जैसे लोग. Instagram को grow करना सभी जानना चाहते हैं. There are many hacks that people have and मैं भी इसी के बारे में सोच रही थी कि Instagram को कैसे grow कर सकते हैं. Because you know and I know every day Instagram पे इतने सारे followers बढ़ते हैं और फिर अगले दिन धीरे-धीरे कम भी हो जाते हैं. तो इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इंस्टाग्राम के जो नए नए एल्गोरिदम्स रोज रोज चेंज हो जाते हैं उसको समझने के लिए, मैं आज मेरे साथ लेकर आई हूँ एक इन्फ्लुएंसर को. ये यू नो, यू हैव सीन द मैसेज, यू हैव सीन द क्रिएटिव हु शी इज. शी हैज ग्रोन हर इंस्टाग्राम टू अ डिफरेंट लेवल. नाउ शी हैज मोर देन 500,000 फॉलोअर्स एंड आज वो मेरे साथ आई है ऑन वार्तालाप विद आकृति टू अनवील हर सीक्रेट्स. जी हाँ, धीरे धीरे करके उनके सारे सीक्रेट्स निकालेंगे एंड शी इज गोना टीच अस अबाउट द हैक्स एंड द ट्रिक्स दैट यू कैन यूज टू ग्रो योर इंस्टाग्राम. सो विदाउट फर्दर डू, लेट मी वेलकम ऑन माई शो द वेरी फेमस इन्फ्लुएंसर एंड ऑल्सो एन ऑन्टरप्रेन्योर, श्वेता. श्वेता रोहिरा इज गोइंग टू बी ऑन माई शो एंड हाई श्वेता, हाय आकृति, सो गुड टू सी एंड यू. सेम हियर. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस चैट. दो आई एम गोना शेयर ऑल माय सीक्रेट्स, एक्चुअली मोस्ट ऑफ इट, सो दैट यू नो आई कैन कम बैक अगेन लाइव एंड शेयर द सेकंड हाफ. एब्सोल्युटली, वी ऑल आर वेटिंग फॉर योर सीक्रेट्स सो दैट हम भी थोड़ा थोड़ा वो यूज कर पाए एंड देन ग्रो कर पाए हमारा सोशल मीडिया. यार इट्स सो डिफिकल्ट टू ग्रो दिस. हाउ डू यू डू इट मैन, हाउ डू यू डू इट? Just the way you've been doing, yeah, the way you've been conducting lives, the way you've been conducting all those photos and hashtags, that's the same thing that I've been doing. Yeah, but you've grown it brilliantly. Actually, इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम्स रोज रोज ही चेंज हो जाते हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन वार्तालाप विद आकृति. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो. सेम हियर, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस लाइव चैट, क्योंकि हमने बहुत टाइम से हम सोच रहे थे हम एक लाइव करेंगे और वो हो नहीं रहा था. सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज गणपति वाले दिन हम फाइनली एजिंग ब्रेक करके लाइव शो कर रहे हैं इंस्टा पे. बिल्कुल, आज गणपति पापा की दया हो गई है हम दोनों के ऊपर. बट मेरे इंटरनेट पे नहीं है, उनकी दया, मेरा वाईफाई बंद हो गया आज. उनकी दया एटलीस्ट मेरे इंटरनेट पे रहे ताकि ये लाइव सेशन चलता रहे. सुषमा, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग. आपने कब शुरू किया इंस्टाग्राम पे? व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू स्टार्टेड यूजिंग इंस्टाग्राम? एक्चुअली आई थिंक अभी हो गए होंगे 4 साल इंस्टाग्राम शुरू करके. 4 साल पहले? 4 साल पहले, बट पहले ऑब्वियसली मैं इतनी एक्टिव नहीं थी. ऑन एंड ऑफ, यू नो, जब कुछ नया ऐप लेते हैं हम कभी एक्टिव होते हैं कभी नहीं होते हैं. तो स्टार्टिंग में इंस्टा वैसे ही था जहां मैं फिजिट करती थी. आई यूज टू फॉलो पीपल, दिल गया तो अपलोड किया. बट आज वो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है मेरे लाइफ का, मेरे करियर का. सो टूडे इंस्टा इज लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ मी. Absolutely, I see you posting wonderful content every single day on your Instagram. इतने सारे brands को promote करते हो, तुम्हारा खुद का भी brand है. So let's go and explore that story. कि when was it कि आपने अपने Instagram को इतने seriously लेना शुरू किया कि ठीक है इस पे अब रोज post करना चाहिए या hashtags ढूंढने चाहिए या थोड़े photo shoots करने चाहिए Instagram के लिए? Actually, you know, मुझे हमेशा से scrapbook बनाने की आदत थी. लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड आई हैव डॉक्यूमेंटेड हर फोटो अपना, आई हैव रिटन कोट्स एंड एवरीथिंग. सो आई हैव अ लॉट ऑफ स्क्रैप बुक्स. इंस्टा मेरे लिए एक डिजिटल सोशल डायरी है जिसमें मैं अपनी फोटोज लगाती हूँ और उसके बारे में लिखती हूँ. सो फॉर मी दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन. और जैसे आपने कहा कि मैंने ब्लॉगिंग कब शुरू की, तो इट वॉजंट अ कॉन्शियस एफर्ट. मैं अपने फोटोज डाल रही थी, अपलोड कर रही थी. और स्टार्टिंग में कुछ ब्रांड्स ऑब्वियसली अप्रोच करते थे कि यू नो आप ये कर दीजिए. सो लाइक ओके, ओनली टू रियलाइज यू करते करते आई हैड बिकम एन इन्फ्लुएंसर एंड दिस एक्चुअली बिकेम लाइक अ इन्फ्लुएंसिंग कोलैब थिंग फॉर मी. सो इट वॉजंट अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट.
ब्रिलियंट यार, दैट्स अमेजिंग. धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली आई थिंक इंस्टाग्राम ने ही बना दिया आपको, आप जो हो आज. नाउ मोर देन हाफ इंस्टा पीपल ने फॉलो मुझे इन्फ्लुएंस कर दिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए. यू. अभी जब इतनी बड़ी फॉलोइंग हो गई है, आप आई एम श्योर कहीं पर रस्ते में जाते हो तो लोग देखते होंगे, बात करते होंगे कि अरे आई सीन यू ऑन इंस्टाग्राम, आई लाइक दैट ड्रेस दैट यू वोर, आई लाइक दैट प्रोडक्ट दैट यू यूज्ड. तो कैसा लगता है, होता है ऐसा? बहुत होता है. कितनी बार और कितनी बार ऐसे होता है, दो मैंने ब्रांड को टैग किया है तो वो मुझे डीएम करते हैं कि हाउ डू वी गो अबाउट, एंड देन माय टीम ऑब्वियसली सेंड्स देम द हैंडल की यू नो आप ये डीएम पे कीजिए. देयर आर सो मेनी पीपल्स, जब मैं लाइव करती थी एंड आई वुड इंटरव्यू पीपल, सो दे वुड एक्चुअली सेंड मी क्वेश्चंस कि मैम हम आराम से बाद में आईजीटीवी पे देखेंगे, तो हम क्वेश्चंस भेजे, आप प्लीज वो क्वेश्चन पूछ लेना. एंड इवन जनरली लाइक व्हेन आई वाज डूइंग थिएटर एंड आल्सो एट द सेम टाइम आई यूज्ड टू वेयर द ब्रांड्स व्हाइल माय थिएटर और व्हाइल द प्रमोशन. तो शो खत्म होने के बाद व्हेन दे वुड कम टू कांग्रेचुलेट मी, दे वुड बी लाइक ओ आपका वो वाला पोस्ट देखा था तो वो कैसे हुआ, क्या था उसकी स्टोरी, है ना. मैं कहती हूं दिस इज द थिंग, और आप कौन से पोस्ट की बात कर रहे हो, बिकॉज देयर आर टाइम्स मैंने चार पोस्ट दिन के किए, सो आई मैं आप कौन सी वाली बोल रहे हो, एंड देन दे नीड टू डिस्क्राइब इट टू मी, अच्छा ये वाली है, मैं को ओके. सो दिस इंस्टाग्राम इज एक्चुअली 4 years ऑफ हार्ड वर्क जो आपने लगाया है इसमें, बट इट टोटली केम वेरी नेचुरली टू यू बिकॉज यू लाइक मेकिंग स्क्रैप बुक्स और ये सब आपको पसंद था. सो व्हेन वाज इट देन यू दैट इंस्टाग्राम से पहली बार आपको कोई कोलैबोरेशन आया हो, व्हेन यू मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड देन यू थॉट कि अरे आई कैन एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ मनी जस्ट पोस्टिंग एंड डूइंग द थिंग्स दैट आई लव डूइंग एंड मेकिंग माई ओन स्क्रैप बुक. So ये कब this हुआ? happened when I shot for this brand called Indrani Handloom Fashion, and that was the first time in 2016 that I was a brand ambassador. And obviously, you know, I was paid, hoardings लगी हुई थी बॉम्बे में, and I was posting about them on Insta. और वहां से then I started getting for night dress and then for food, and suddenly I realized. So people ask me, you know, कि आप क्या ब्लॉगिंग करते हो? I said मैं बुक भी ब्लॉग करती हूँ, मैं फूड भी ब्लॉग करती हूँ, मैं लाइफस्टाइल भी करती हूँ, because basically I am promoting what I like. I never promote a brand that I wouldn't wear or I wouldn't eat, because if I can't like it, I don't expect my viewers to like it at all. So I'm a little skeptical. That's like my first thing कि मुझे वो ब्रांड आई शुड लाइक इट, आई शुड लाइक द मेकअप आर्टिस्ट हु फॉर हुम आई एम शूटिंग और फॉर व्हाट आई एम इन्फ्लुएंसिंग. सो दैट इज द होल आइडिया. एंड इन 2016 इट स्टार्टेड, देन आई हैड एन एजेंसी कम अप हु सेड दैट वी वांट टू हैंडल द वर्क ऑन इंस्टाग्राम, और वो धीरे धीरे करके वहां से बढ़ता गया. बट आई एम वेरी पर्टिकुलर ऑन वॉट इज द कोड, बिकॉज आई सी टू दैट आई राइट इट माई सेल्फ, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आप कुछ लिख रहे हो, अगर पीपल आर फॉलोइंग यू दे वॉन्ट टू नो आपको क्या कहना है उसके बारे में. सो इट्स नॉट लाइक एन एड दैट वी आर शूटिंग, राइट, वेर आपको लाइन्स मिल गई और आपने लिख दी. माई इंस्टा पोस्ट आई मेक श्योर इवन देयर इज एन एजेंसी कि मैं लिखूं व्हाट आई फील अबाउट दैट प्रोडक्ट और अबाउट माई पर्टिकुलर क्लोदिंग दैट आई एम वेयरिंग एंड प्रमोटिंग. सो दैट इज द होल आइडिया, एंड आई थिंक एवरी वन शुड डू दैट. इफ यू आर राइटिंग ऑन इंस्टाग्राम और ट्विटर और एनी प्लेटफॉर्म, यू शुड राइट योर कंटेंट ऑन योर ओन, बिकॉज इट शुड बी योर एक्सटेंशन, कि आपको क्या बोलना है उस चीज के बारे में. सही बात है, क्योंकि इंस्टाग्राम आपका पर्सनल प्रोफाइल पेज है और उस पर आप जो भी पोस्ट कर रहे हो, पीपल आर कमिंग टू सी एंड सी यू एंड आपकी क्या ओपिनियन है उसके बारे में. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, यही करना चाहिए. क्योंकि ऐसा भी करते हैं क्या लोग कि किसी ने लाइन्स दे दी और लिख दिया उसने अपने इंस्टाग्राम पे, ऐसा देखा है आपने? ऐसे होते मैंने हुए सुना है, ऐसे मैंने सुना है, और अगर आप जेन्युइनली फॉलो करेंगे और देखेंगे एंड इफ यू नो द पर्सन, तो आपको पता है कि ये रियलिटी में अलग है, इसके इंस्टा हैंडल के राइट अप अलग है, तो आई मीन पता चल जाता है. ये तो मैंने पिक्चर्स का देखा है, सो मेनी पीपल दे लुक सो डिफरेंट ऑन इंस्टाग्राम देन व्हाट दे लुक इन रियल लाइफ. आकृति पिक्चर पूरी वो एडिट कर लेते हैं, ठीक है. एंड सो पहले मैं लाइक यू नो वो टेली शॉपिंग एड में कहते ना वैसे था, कि पहले जब मैं मोटी थी तो लोग मुझसे बात नहीं करते थे, काइंड ऑफ थिंग. तो बहुत लोग मुझे कहते थे फोटोशॉप कर दो, अपने आप को पतला दिखा दो, एंड लाइक क्यों, बिकॉज यू नो मैं ऐसी हूँ एंड आई एम वर्किंग टूवर्ड्स व्हाट आई वो, व्हाई शुड आई फोटोशॉप.
आई सी टुडे सो मेनी पीपल वो अपने आप को फोटोशॉप कर देते हैं, फेस एकदम चिजल्ड और यू नो कम्प्लीटली. और जब स्टोरीज आती है उनकी ऑन रेगुलर बेसिस या जब वो लाइव आते हैं, यू लाइक ओ माय गॉड, यू नो. सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डू दैट. श्वेता, बाय द वे, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग बिकॉज यू आर सो प्रिटी, यू आर थिन ऑलरेडी, यू डोंट नीड टू एडिट एंड फोटोशॉप योर सेल्फ. एंड बेसिकली आई हैव सीन सो मेनी लाइव वीडियोज ऑफ योर्स एज वेल. इट इज योर सिंप्लिसिटी जिससे आप सामने आते हो, अपने जिस थैंक नेचुरल वे में सामने आते हो. लाइक इवन नाउ ऑल्सो ऐसा नहीं है कि यू आर वेयरिंग टन्स ऑफ मेकअप, दो आई एम वेयरिंग टन्स ऑफ मेकअप. नो यू आर नॉट, ओनली नेचुरल. इवन इफ इट इज डन, इफ इट इज टन्स ऑफ मेकअप, आई हैव टू लर्न मेकअप फ्रॉम यू बिकॉज़ दिस लुक्स क्वाइट नेचुरल. Yeah, I like doing natural makeup, but this is because I like doing makeup. ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए करती हूँ. मेरे को normal भी देखोगे ना, you'll call me on a Monday morning, I'll be sitting like this, okay, ready. This is what I am. Yeah. Great. But I think it's So good let's to get doll on. up, na? I think girls love to doll up. Yeah, and I think it is also because of my profession. हम लोग as a model इतना ज्यादा रोज मेकअप में ही रहते हैं अपने आप को इतने सालों से. ऑलमोस्ट इट्स बिन 10 to 15 years आई हैव जस्ट सीन माई सेल्फ इन मेकअप ऑल द टाइम. तो एकदम जैसे ये निकलता है तो लगता है कि अरे मैं बीमार हो गई क्या. तो इसलिए थोड़ा बहुत मैं करके ही रखती हूँ बिकॉज आई एंजॉय डूइंग इट. लेट्स गेट टू द हैक्स ऑफ इट. कैसे आपने जल्दी से अपने इंस्टाग्राम को इतना हाइट्स पे ले गए. मैं तो सुबह से लेकर रात तक कोशिश करती रहती हूँ. हैशटैग, अरे मैंने यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब पे कितने मिलियंस ऑफ वीडियोस ऑन हाउ टू ग्रो इंस्टाग्राम, कैसे आप 10,000 फॉलोअर्स क्विकली ला सकते हो, कैसे लाइक्स बढ़ जाएंगे, कैसे व्यू बढ़ जाएंगे. बट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट समथिंग और द अदर एंड आई हैव ट्राइड कपल ऑफ दोज हैक्स. समटाइम्स इट वर्क्स, समटाइम्स इट डजंट. बट यू आर अ लाइव एग्जाम्पल. आपने खुद ने अपना इंस्टाग्राम इतना ज्यादा बढ़ाया है तो अब आपसे सुनना चाह रहे हैं. तो मुझे बताओ पहले आपने कौन से हैक्स किए विच वर्क फॉर यू. देर इज वन हैक विच वर्क फॉर मी विच इज दैट जो लोग मुझे मैसेजेस करते थे पहले मैं उनको रिप्लाई नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि यार क्या रिप्लाई करूँ, आई डोंट नो दीज पीपल, उनको क्या मैसेज करना है. तो लेकिन अभी जब भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं सो आई एम अ वेरी लेजी टेक्स्टर. मुझे लिखने में ना फोन में जान जाती है. लाइक इवन इफ यू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप आई ऑलवेज सेंड यू अ वॉइस नोट क्विकली एंड आई गिव इट टू यू. एंड आई हर्ड इन वन ऑफ द वीडियोज ऐसे ही हैक बताया था कि आप इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग बिकॉज एवरीबडी इज राइटिंग वाई डोंट यू जस्ट रिकॉर्ड अ वॉइस नोट एंड सेंड इट टू योर फॉलोअर्स हूएवर इज टेक्स्टिंग यू. सो आई स्टार्टेड डूइंग इट, इट कम्स ईजी टू मी एंड उससे मैंने देखा कि लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं. सो दैट इज समथिंग द वर्क. वार्तालाप वर्क. वार्तालाप इज ग्रेट. आई कीप सीइंग योर पोस्ट एंड द वार्तालाप दैट यू आर डूइंग विद एवरीवन. इट इज अमेजिंग यार, कीप द गुड वर्क गोइंग. लाइक ऑल योर गेस्ट्स आर अमेजिंग, एक से बढ़कर एक. अरे यू हैव कम ऑन माय शो, अब तो और अमेजिंग हो गया वार्तालाप. हाँ, सो वार्तालाप इज समथिंग दैट स्टार्टेड बेसिकली इन द लॉकडाउन. आपने भी बहुत सारे लाइव सेशंस किए हैं अपने इंस्टाग्राम पे. इनफैक्ट हम भी बात कर रहे थे एक लाइव सेशन करने के लिए. एवरी डे यू वर लाइव आई रिमेम्बर. हाँ, तो यू हैव आल्सो डन एज अ लाइव सेशन. तो उससे कितना ग्रोथ आपने देखा अपने इंस्टाग्राम में. सी इंस्टाग्राम ना या कोई भी हम ऐप ले ले, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उसको फीड करो बिकॉज देर आर पीपल हु आर फॉलोइंग यू. सो व्हेन दे आर फॉलोइंग यू दे वांट टू सी. It's but obvious. If I'm following you, I want to see what post you're putting. I want to know more about it, right? Otherwise, why am I following you? So, एक important चीज़ है कि आप post करते रहें, which many people do. Like, अच्छा हफ्ते में एक post कर दिया, and you know. So, if you don't post continuously, obviously, Insta algorithm is not going to catch hold of what you're up to. People are not going to know. बिकॉज ऑल्सो वट हैपन्स जब लोग लाइक करते हैं पर्टिकुलर पिक्चर, जितनी ऑफन वो लाइक करते हैं, जितना ऑफन कमेंट करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उनके वॉल पे आना शुरू हो जाते हो. सो दैट इज वन रीजन आप पोस्ट नहीं करोगे, वो लाइक नहीं करेंगे, वो कॉमेंट नहीं करेंगे. तो बट ऑब्वियस इंस्टाग्राम नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ पोस्ट करोगे वो बहुत लोगों के बाद आने वाला है. लाइक यू नो दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग, आपको अपनी ऑडियंस भी जाननी है दैट वॉट काइंड ऑफ
ऑडियंस वर्क्स फॉर यू. लाइक इन माई केस, इफ आई पुट सिर्फ एक किताब की फोटो, इट डजेंट वर्क. दे वॉन्ट टू सी कि मैंने हाँ वो बुक पढ़ी है, आई एम पोजिंग विद द थीम. सो दैट्स वॉट वर्क फॉर मी. फॉर सम पीपल दैट विल नॉट वर्क. तो आपको खुद समझना है कि आपके इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स क्या है और उनको क्या पसंद है. जैसे अगर आपने देखा होगा जब मेरे इंस्टा लाइफ चल रहा था तो मेरे पास सिर्फ एक्टर्स नहीं थे या मॉडल्स नहीं थे, डॉक्टर्स भी थे जिनके साथ हम लाइव जा रहे थे, एंड साइकेट्रिस्ट थी, एंड एस्ट्रोलॉजर्स थे, बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोग थे. क्योंकि मेरे इंस्टा पे जो रिक्वेस्ट आ रही थी वो उनको एडिटर भी चाहिए था कि यू नो आप लाइव सेशन एक एडिटर के साथ कीजिए, सिनेमाटोग्राफर. इनसे सरप्राइजिंगली जितनी भी रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी दैट यू नो वी वांट टू सी सच अ पर्सन लाइव, उसमें एक्टर्स का बहुत कम ये था कि वी वांट टू सी यू लाइव विद दिस एक्टर और दिस मॉडल. इट वॉज मोर ऑफ प्रोफेशन. सो दैट्स वॉट वर्कड फॉर मी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट your viewers want from you, because if you are posting it, one is that. Second, aap jo kar rahe ho, it's like, you know, kehte hain ki you need to have passion for your work. So, agar aap enjoy karte ho, photo click karna, post karna, likhna uske baare mein, and agar aap chahte ho ki wo logo tak pahunche, to aap uske liye homework karte ho ki kya hashtag chalega, kaun si cheez zyada, like, aaj agar main ek book post kar rahi ho, to main wo book padh ke जानती हूँ कि वो बुक के बारे में अगर कोई मुझे पूछेगा तो मैं आंसर दे सकती हूँ. मैं उस बुक के बारे में ज्यादा यहाँ नहीं लिखूंगी, मेरे ब्लॉग पे लिखूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे कंटेंट ज्यादा नहीं चलता है, द फोटो दैट वर्क्स. ट्विटर पे कंटेंट चलता है, फोटो इज नॉट व्हाट इज रियली वर्किंग देयर. बट आई नो कि कल अगर मेरे 500 के व्यूअर्स में से कोई भी मुझे कुछ उसके बारे में पूछेगा, आई नो दैट बुक बाय द बैक ऑफ माई हैंड. सो जो आप कर रहे हो वो रिफ्लेक्शन आपके फोटो में दिखना चाहिए. Again, in Instagram. So you need to study your audience and give them what they want, like from you, is what is important. Like I said, jab mere live sessions hote the, I knew for a fact that my viewers were so relaxed ki ye to IGTV pe jayega, that I would get more viewership on my IGTV than on my thing, because they would say questions and I'm like, you know, isko bolte hain ki yaar हम आराम से कॉफी पीते हुए देखेंगे, वी रियली डोंट नीड टू गो. बट दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड अबाउट माय व्यूअर्स, एंड दे वुड नो कि यू नो आई डू माय वर्क, सो दे वुड सेंड मी क्वेश्चंस. आई डिडंट इवन हैव टू राइट कि डीएम मी योर क्वेश्चंस. ऑटोमेटिकली मैं स्टोरी डालती थी एंड बाय द नेक्स्ट डे आई वुड हैव टन्स ऑफ क्वेश्चंस इन माय डीएम, वेयर दे वुड सेंड कि ओके मैम आस्क दिस और आस्क दैट और यू नो सो एंड सो, और देयर वुड बी अ रिक्वेस्ट कि आप इनको लाइव ले जाओ, ये स्टैंड अप कॉमेडियन से बात कर लो. सो यू नीड टू स्टडी योर प्रोफाइल, व्हाट इज वर्किंग फॉर यू इफ यू वांट इट टू ग्रो. और कोई चीज रातों रात नहीं होती, देयर इज नो इजी वे आउट, बी इट लूजिंग वेट, बी इट एनीथिंग, बिकॉज व्हेन आई लॉस्ट वेट इट वाज अ स्लो प्रोसेस. आज अगर 500K पहुंची हूँ, रातों रात नहीं पहुंची हूँ, इट्स बीन 4 साल की मेहनत एंड आई नो इट इज समथिंग आई नीड टू कीप डूइंग बिकॉज आई एंजॉय इट, एंड ऑब्वियसली 500K पे नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है. सो यू नीड टू हैव द पेशेंस एंड यू नीड टू नो कि हाँ हम सही कर रहे हैं, द ट्रेंड्स कीप चेंजिंग, द हैशटैग्स कीप चेंजिंग, सो यू नीड टू कीप डूइंग योर होमवर्क. और जैसे जब हम कुछ पढ़ाई करते हैं तो हम रेगुलरली अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, तो वैसे ही हमें रेगुलरली जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो या कुछ, यू नीड टू कीप नोइंग व्हाट इज द न्यू ट्रेंड गोइंग ऑन. एब्सोल्युटली यू नीड टू नो व्हाट्स द ट्रेंड व्हिच इज गोइंग ऑन, एंड आई होप ये जो 500K फॉलोअर्स है ये बहुत जल्दी 1 मिलियन, फिर 2 मिलियन, फिर 10 मिलियन हो जाएंगे, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली अरे मेरी दुआ है, देखो जिस दिन होंगे ना 10 मिलियन मुझे याद करना. डन डील, फिर हम एक स्पेशल लाइव उस दिन करेंगे, हैक्स टू रीच 10 मिलियन. या एब्सोल्युटली. सो लेट्स ब्रेक इट डाउन इन स्मॉलर प्रोसेस, जिससे कि जो भी देख रहा है उसे समझ में आए. सबसे पहले तो जो फोटो हम पोस्ट करते हैं उसका सिलेक्शन कैसे करें? सो अगेन आपको पता है आपकी प्रोफाइल कौन सी है, आप सीरियस, आपका व्हाट आर यू, आर यू अ कोकी पर्सन, आप सीरियस पर्सन हो, आपका क्या
ट्रेंड है. लाइक आई कॉल माई सेल्फ अ क्वर्की पर्सन. सो मेरे जितने आप फोटोज देखोगे, इट इज नॉट दैट आइदर, इवन इफ इट्स अ मेकअप थिंग, इट हैज अ लिटिल क्वर्कीनेस टू इट. तो आप फोटो उसके हिसाब से सिलेक्ट कीजिए दैट is your product seeing whatever your product is. That is the first thing, because if you're putting it for a product, so that should be the more highlight thing than your personal thing. Second is fir aap apne aap ko dekh lo ki are you happy with what your like you know your looks and whatever. Little aapko agar edit karna hai to light wagera pe edit karo, but try to keep it as natural as you can, kyunki agar aap natural rakhoge, the whole idea of Insta is friendship between me and my followers. You know, like today you and I have not met, but we've connected through Insta. So if I'm not natural, I am not going to reach out to my audience, because there's a difference. You know, when I'm modeling for a play or an ad, there I'm playing a character. I'm not Shweta. So if I'm doing something, it is the demand of the character. But Insta pe keep your photo as natural as possible. Aap khali, you know, wo lighting, exposure, un pe kaam kijiye. Please don't edit yourself so much ki आप टोटली एक अलग इंसान लोगो, बिकॉज पीपल नो, दे मे नॉट टेल यू लाइक यू नो, बट दे नो इट, सो ऑटोमेटिकली आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो लोगों से. सो दैट इज, इनफैक्ट यूट्यूब पे एक वीडियो है जिसमें उस वीडियो का टाइटल है टॉप 10 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स डू नॉट लाइक देमसेल्फ इन रियल लाइफ. यू शुड वॉच इट, इट्स फनी एंड हिलेरियस टू अनदर लेवल. I'm going to watch it. Actually, send me the link. I'm going to watch it. I want to watch it now. I'll send you the link. So this is about the picture. Now picture के ऊपर मैंने बहुत सारे videos में देखा है, सुना है कि timing बहुत matter करता है, कि timing के हिसाब से picture post करो. एक दिन में हो सकता है एक दो या तीन या चार फोटो पोस्ट करनी है. सो हाउ डज इट वर्क फॉर यू, लाइक डू यू हैव अ स्केड्यूल मेड पहले से कि इतना इतना करूंगी, कैसे करूंगी? सो यूजुअली आई थिंक एवरी पोस्ट की एक अलग डिमांड होती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, देर आर सम पोस्ट दैट आई नो आई वांट टू कीप इट फॉर अ फ्यू डेज. इट्स ऑल्सो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विथ हुम आई हैड माई कोलैबोरेशन विथ, लाइक यू नो दिस इज गोना बी फॉर, ये एक दिन रहेगा, ये तीन दिन रहेगा, ये कुछ घंटों रहेगा, ये सिर्फ स्टोरी पे जाएगा. तो वो वर्क वाइज एक अलग ये है. आपकी ऑडियंस अगर आप पोस्ट कर रहे हैं, लाइक आई सेड, आपको अपना इंस्टाग्राम खुद पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज यू नो आपकी ऑडियंस कहाँ की है. लाइक नाउ फॉर एग्जांपल, आई हैव अ लॉट ऑफ ऑडियंस सरप्राइजिंगली फ्रॉम टर्की. सो मेनी अ टाइम माय पोस्ट वर्क मोर आइदर एट अर्ली मॉर्निंग और टुवर्ड्स द नाइट, यू नो वी आवर्स, क्योंकि मेरी ऑडियंस ही वो वाली है, लाइक मेजोरली. सो ऑल्सो जब आप कुछ पोस्ट करते हैं, इट इज नेचुरल कि आप उसे थोड़ा टाइम दीजिए इंस्टेड ऑफ बॉम्बार्डिंग, बिकॉज जब एक आपने पोस्ट किया है, यू नीड टू गिव अ टाइम टू रीच टू योर ऑडियंस, बिकॉज टुडे एवरीवन इज एन इंस्टा एडिक्ट, एवरीवन गोज ऑनलाइन. बट अगर आप कंटिन्यूसली पोस्ट करते जाएंगे, सो यू नो दे आर नॉट गिविंग टाइम टू अंडरस्टैंड दैट वन पोस्ट. सो आई पर्सनली से नॉट मोर देन टू पोस्ट अ डे, एंड दैट्स, एंड लकीली आज हमारे पास स्टोरी है, सो यू कैन कीप अप टू योर स्टोरीज टू से वॉट यू वॉन्ट टू, एंड लेट द पोस्ट हैव इट्स जस्टिस. So study where your audience is strong, what is working for you, or keep trying. जैसे पहले मुझे लगता था कि you know I want to do it at 4, but then I like for life. I know this time works for me more comparatively than a different. But again, who am I interviewing? Like for example, if it's a doctor, then my timings, if you notice, are always 8 o'clock, because that time works for me more when I'm with a doctor when it comes to an interview. If I'm interviewing a singer, the timing is different. So you need to again figure out ki aap kise interview kar rahe ho, to aapki audience agar usko expect kare to kya time pe expect kare, kya time pe wo enjoy karegi, aur uske hisab se aapka next post kab hai, ki aap wo IGTV ko bhi justice de rahe hain jab wo jayega, because a lot of people want to watch it on IGTV. So what is the time schedule of your next post? Yeah. That's a wonderful insight. कि अपनी audience को देखो, audience किस time पे live होती है और उसके हिसाब से post करो, so that the probability of your post getting showed up in the feed is also more और बढ़ जाती है.
अपनी इनसाइट को कैसे पढ़ सकते हैं? लाइक एवरीबडी हैज दीज इनसाइट्स जो इंस्टाग्राम पे आते हैं, उसमें इतनी सारी चीजें बता रखी होती हैं, रीच, एंगेजमेंट, फॉलो, सो मेनी पीपल स्किप्ड, लाइक, कमेंटेड, अनफॉलोड. हाउ डू यू स्टडी दैट? सो बिग वन. सो आई ऑलवेज से दैट यू नो मोर देन गोइंग टू द बुकिश लैंग्वेज, वो आप भले हफ्ते में एक बार पढ़ लो. Where, you know, on the settings you have those insights and you read. But the more you are active, like, you know, like I said, jab aap aur main baat kar rahe hain, jab aapke comments aate hain, jab log aapko milke kehte hain, like, oh, I saw that post, you know, one on one, it could be your friends, it could be your followers. The more you start understanding them, the more you'll start understanding what is working for you. So, you know, it could be like, you'll be like, oh, four people unfollowed me. That's okay. You know, don't think of the people who unfollowed you, because that's a part and parcel of Instagram. Today, you somebody will follow you, somebody will unfollow you. And agar log aapko unfollow karte hain, don't get, you know, a lot of people get upset. Yeah, yeah, char logon ne unfollow ki. It's okay. Aapka content unko nahi pasand aaya. So, it's cool, you know. And instead of thinking of those four people, how are concentrating on how many people have rather followed you. So, look at that part. अंडरस्टैंड कि अच्छा अगर मैं पोस्ट ये टाइम पे डालती हूँ तो ये तो आप खुद की जितनी स्टडी करोगे ना वो आपको ज्यादा आप वाइब पकड़ पाओगे अपने फॉलोअर्स से कंपेयर टू व्हाट यू रीडिंग ऑन द इनसाइड वेयर इट इज जस्ट द एल्गोरिथम दैट इज कमिंग कि वो 25% दिस 5% दिस 10% दिस तो वो एक पाई चार्ट है वो पाई चार्ट को आप हफ्ते में एक बार पढ़ लो बट रादर सी व्हाट हैशटैग्स आर वर्किंग फॉर यू ना फॉर एग्जाम्पल I know no matter what hashtags I put Shweta Rohira. Now the reason for Shweta Rohira is because my Insta handle is Shweta Rohira. But there are many a time somebody doesn't know my Insta handle and they think it could be Akshichik, Bohochik or whatever. Because even log quirky, jaise aapka Akriti Anand official hai. But if I want to search, yeah. I might just search Akriti Anand. So if you don't put your hashtag Akriti Anand on your post, I will not reach your post because you are official and I am searching for Akriti Anand. So that's why also many a times it is important that no matter what you post, if your handle is different from your name, then you should put your name as your hashtag. Achha, in my case, so I also have Shweta Bachchan and Shweta Menon and there's so many Shwetas. So Shweta Rohira hashtag is important that okay, you know, agar aap Shweta Bachchan ko bhi dhoond rahe ho to mere hashtag pe aa jao because Shweta Rohira does crop up. So you should start using your that's how you need to figure out. Like, okay, I know that you know Shweta there are more posts of Shweta Bachchan and Shweta Menon because they've done so much more and they've been here for a longer time. But the moment I put Shweta Rohira, Shweta does come with the hashtag. Now this was my thing. So that way, the more you keep doing, you start figuring out things that maybe I haven't figured. Right. There are hashtags, as you said, are very important. But hashtags के लिए भी ऐसी बहुत सारी apps आ गई हैं. Actually, ना सिर्फ hashtag के लिए. अगर आप App Store पे जाओगे, so there are thousands of applications जो सिर्फ Instagram को support करने के लिए हैं. फिर चाहे वो photo editing हो, चाहे algorithm के लिए हो, posting के लिए हो, creatives के लिए हो, hashtag के लिए हो. तो इनमें से क्या कोई ऐसी apps है जो आप use करते हो on a daily basis or for your Instagram? See, sometimes I do use if some new app has come and they have a good format. जैसे बीच में एक story चिक करके आया था जो बहुत creative stories के लिए you know they would have good templates. So anything you can always try and do where hashtags are concerned. Ready hashtags देने का मतलब नहीं क्योंकि वो ready हैं मतलब वो 10 tag आपको मिल जाएंगे but वो 10 tag आपकी audience नहीं है. You know, it's like generally अभी mask available है ना but आपको medical से 20 rupees वाला mask लेना है or you want a nice decorated one is your choice. So following a hashtag generally wouldn't work for you unless you understand what tags you want to create for yourself. Because hashtags is again एक extension आपकी कि जब आप और the first thing if you want to create hashtags I always say अगर आप एक photo upload कर रहे हो तो आप सोचिए कि अगर आपको ये फोटो तक पहुंचना होता आप क्या सर्चेस मारते बिकॉज हैशटैग इज बेसिकली सर्चिंग समथिंग राइट यू आर गेटिंग दोज ऑडियंस
सो अगर आप वो सोचेंगे कि हाँ अगर मुझे ये से इफ द टी शर्ट यू आर वेयरिंग एंड आई वांट टू सर्च लिप्स आई वांट टू सर्च रेड क्वर्की वाइट ऑल ऑफ दोस थिंग्स सो आई रादर पुट दोस हैशटैग्स लाइक आई वांट अ क्वर्की टी शर्ट आई वांट समथिंग पॉप अप टी शर्ट सो थिंक ऑफ व्हाट वुड यू सर्च इफ यू वर ट्राइंग टू रीच अ फोटो लाइक दिस एंड यू विल गेट बेटर हैशटैग्स देन अ रेडीमेड हैशटैग ऐप Wonderful insight. Now I'm gonna start thinking like that. जब भी मैं post करूँगी ना मैं सोचूंगी मैं क्या सोच के इसको सर्च करूंगी. Great, I'm gonna use it and I'm gonna tell you how it worked out for me. एक Instagram पे भी रोज नए features आते हैं, कभी नया filter आ जाता है, कभी reel आ जाता है, IGTV आ गया, ऐसी so many things are coming up every day. How important it is to use these new features or is it okay to keep going and to keep doing what you're doing? I think if you want to use it. It's really not important. Like if I haven't put a single reel till now because it's not excited me. TikTok never excited me beyond a point. So reel is again similar to TikTok. So it's yet not excited me. So I've not even experimented with it. Because like I said again, Instagram is something I enjoy. I do what I feel like doing. And it's working for me. So I have never run in the rat race and like, oh, sab reel dal rahe hain, mujhe reel dalna hai. Oh, sab ye feature. If I see something, say for example, kal kisne koi filter use kiya aur mujhe wo exciting laga kyunki mujhe try karna hai, toh main kar lungi. So I again think ki agar aapko karna hai, aap kar lo. Agar aapko nahi karna hai, there's no hard and fast rule ki mujhe ye filter karna hai, mujhe dasturi dalni hai, mujhe ये करना है. द मोर यू कीप इट नेचुरल द मोर थिंग्स विल वर्क फॉर यू एंड देन दोस फॉलोअर्स विल स्टे विद यू बिकॉज़ दे फॉलोड यू यू नो दे आर नॉट फॉलोइंग अ प्रिटेंशियस थिंग. राइट ऐसे बहुत लोग खो जाते हैं इंस्टाग्राम के अंदर. देयर इज अ रैट रेस व्हिच इज गोइंग ऑन. इनफैक्ट I have spoken to couple of my friends who are active or not so active on Instagram. And कुछ लोग बड़े हाँ did you hear me? Or was I lost? I kind of lost you. No, I kind of lost you. Okay, so I'll repeat myself. I'm saying that Instagram पे ऐसे कुछ friends हैं जो मेरे बहुत active हैं, कुछ ऐसे friends हैं जो बहुत active नहीं हैं. लेकिन इन सबसे मैं बात कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि there's kind of a rat race which is going on Instagram. कुछ लोगों को ये Instagram बहुत depress कर देता है जिंदगी में because उनकी जिंदगी सिर्फ Instagram ही हो गया है या फिर वो अपनी life को Instagram से compare करते जा रहे हैं. Have you ever felt like that on Instagram or met someone who has who's been doing like this? I have met a lot of people who compare, who also tell me that, you know, see, this one is doing this, why aren't you doing? But for me, Instagram is a social diary, which I like to maintain. And jaise bachpan mein mujhe, like I said from the very beginning of our chat, for me, Instagram is just my social diary, which I post, I write my captions, and I enjoy it. I don't even bother ki, actually I don't bother ki kitne likes hai, kitna kya hai. If you randomly ask me, I won't even be like, oh, us pe to itna tha, ye tha. I don't even see it, you know, beyond a point, because it's like, jab aap apni diary banate the bachpan mein, if somebody maintained a scrapbook, जब कोई घर आता था आप एक्साइटेडली स्क्रैप बुक दिखाते थे ओ सी व्हाट आई हैव डन बट यू रियली डिडंट डू इट टू शो दैट पर्सन ओ सी यू नो आई डिड दिस फॉर यू बिकॉज़ इट्स नॉट अ ग्रीटिंग कार्ड इट्स अ स्क्रैप बुक सो आई पर्सनली डोंट बिलीव इन रैट रेस आई से इफ यू वांट टू हैव अ कंपटीशन कंपीटिंग विद योरसेल्फ दैट्स हेल्दियर देन कंपीटिंग विद समबडी एल्स सो आई जस्ट मेंटेन माय सोशल डायरी इट्स जस्ट गुड फन दैट आई हैव आई फॉलो अ फ्यू पीपल. But if at any point I am not addicted to it, I do what I feel like. If I don't feel like, I don't do it. There are times I may be off Insta for 7 days and that's just me. There are sometimes we just keep our diary away, right? Ki abhi mood nahi hai likhne ka. So that's how it is. अच्छा ऐसा ही होना चाहिए. इट शुड नॉट बिकम अ बर्डन बिकॉज आई रिमेम्बर देयर वाज अ टाइम व्हेन एवरीबॉडी स्टार्टेड प्रेशराइजिंग मी स्पेशली in the fashion industry because Instagram suddenly बहुत बड़ा हो गया था. हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया Instagram पे. It was just like a, as you said, as a scrapbook, and I was never a person who would have made a book like that. I'm not the kind of a person जिसने कभी card बनाया किसी के लिए gift करने. I always made scrapbooks.
आई वुड लव क्लिकिंग पिक्चर्स. लाइक आई एक्चुअली हैव इतनी सारी स्क्रैप बुक्स ना कि मेरे सूटकेसेस भरे पड़े हैं विथ माय पिक्चर्स फ्रॉम चाइल्डहुड टिल डिजिटल मीडिया स्टार्टेड. लाइक फॉर मी इट वाज लाइक अगर मैं कहीं जा रही हूँ इवन डेली आई वुड रोम विद अ कैमरा. सो फॉर मी दिस इज जस्ट लाइक ओ इट्स बिकम सो मच सिंपलर देन यू नो कि अब बैठ के फोटो कट नहीं करनी पड़ रही है. सो फॉर मी दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ मी. Yeah, and that's why it comes so naturally to you. And no wonder people are liking it because you are loving it. You're doing it out of happiness. ऐसा कुछ burden नहीं है कि करना ही है. ऐसा burden मुझे लगता था जब मुझे अपने Instagram का पूरा पेज बना के फीड बना के you know specially when an agency is involved तो तब तो बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है. And then I realized that what is it that I like to do the most on my show or in my personal life. तो मुझे पता चला मेरे को बातें करना पसंद है. मेरे को बचपन से ही बातें करना पसंद है तो मैंने शो बना दिया है. नाउ आई एम योर टॉकिंग टू यू एंड आई ऑल्सो सी देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन व्हिच आई हैव जनरेटेड ऑन माय पेज ओनली बिकॉज ऑफ दिस शो. सो ऑल्सो थैंक्स टू यू द आइडिया समवेयर केम बिकॉज यू गाइज स्टार्टेड एंड आई सॉ यू डूइंग अमेजिंग इंस्टाग्राम सेशंस एंड आई वाज लाइक या मैन व्हेन पीपल आर डूइंग आई थिंक दिस कैन बी अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन टॉक. And yeah, I started you, this. You like it, you enjoy it, and you're seeing the difference when it's coming to interact. हाँ वो तो हो रहा है. तो ठीक है, Instagram के लिए सबसे बड़ी learning ये है कि be authentic. जो आपको अच्छा लगता है वही Instagram पे दिखाओ and automatically people will feel the love with which you are posting and they'll start liking and following you. Totally. अच्छा आप जाते जाते मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूंगी. आई नो यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू कीप मेकिंग वंडरफुल क्रिएटिव स्टफ, यू कीप सेलिंग देम ऑन योर सोशल मीडिया, ऑन व्हाट्सएप एंड अदर प्लेसेस. सो हाउ हैज इंस्टाग्राम हेल्प्ड यू इन ऑल ऑफ दैट बिजनेस? Instagram has majorly helped me because obviously it's like a social store where you're reaching out to people not only in Bombay but a lot of people other places, and especially now in COVID, you know, when everything is digital. So Instagram has helped me majorly with showcase, like, you know, it's given me a platform where I can showcase the work that I'm doing. So I think Insta is the next thing after Amazon seller app when it comes to selling stuff. Do you ever feel that jaise YouTube pe पर व्यू के पैसे जनरेट होते हैं इसलिए लोग यूट्यूब पे जाते हैं, काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कुछ ऐसा होगा कभी इन द फ्यूचर? हमने सोचा नहीं था कि टिकटॉक के बाद रील्स इंस्टाग्राम पे आएगी तो आ गई. तो वी रियली डोंट नो व्हाट नेक्स्ट. या ग्रेट श्वेता, एनीथिंग एल्स दैट यू वुड वांट टू शेयर विद द ऑडियंस? नो आई थिंक आई सेड इट ऑल दैट प्लीज डोंट डू एनी थिंग. अगर आपको डिप्रेस करता है तो प्लीज मत करो. डोंट मेक इट अ बर्डन. इट्स एन ऐप, एंजॉय इट, बी इट इंस्टाग्राम और बी इट एनी अदर प्लेटफॉर्म. एंजॉय द होल आइडिया इज दैट यू हैव टू एंजॉय एंड हैव फन. एंड इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर एंड यू वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट देन मेक इट योर पैशन. डोंट गेट इन द कॉम्पिटिशन. सो दैट्स इट. Great insight and thank you so much for being on the show today. It was amazing having you here and you shared all these beautiful, lovely, intellectual insights with me and with the audience. Thank you so much, Shweta. Thank you for the vartalap, Akriti, and hopefully we'll do another live session where I will interview you very soon and let's catch up soon. Whenever you are starting, I'm there. Yeah, mujhe first phone karke Akriti ye time pe aana hai. Main kaha theek hai. Done. Baatein karne ke liye always ready. Okay, Shweta, happy Ganesh Chaturthi. Okay. Happy Ganesh Chaturthi to all and all the viewers. Thank you for joining us live and I hope these insights help you and hope you'll start enjoying Insta more. Yes, and everybody over here who's watching, go follow Shweta for some wonderful content. Yeah. Thank you. Bye. Thanks, love. Bye-bye. Take care.
So guys, that was Shweta Roira with some wonderful insights on how you can grow your Instagram. And she's the quirky chick. So if you want to be a part of her life, go follow her right now. And agar aap vartalaap pe mujhe aur aise hi interesting topics ko explore karte hue dekhna chahte hain, to kal phir se aao ya. Kal I am giving a tribute to the actor jiski baat aajkal har newspaper, news channel, टॉपिक ऑफ डिस्कशन सबसे बड़ा बन गया है हमारे देश का. आई एम टॉकिंग अबाउट सुशांत सिंह राजपूत. आई एम एक्चुअली रियली हैप्पी कि उनके केस के ऊपर सीबीआई जांच चल रही है. इनफैक्ट राइट नाउ सुशांत के घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं सीबीआई के जो गए हुए हैं. दे आर ट्राइंग टू रिक्रिएट द सीन ऑफ व्हाट हैपेंड एंड हाउ सुशांत डाइड एंड दे आर डूइंग देयर रिसर्च. सो टुमारो आई डिसाइडेड टू गिव अ ट्रिब्यूट टू सुशांत सिंह राजपूत. और मैं ये करने वाली हूँ मेरी एक्टर फ्रेंड परी के साथ. सो जॉइन अस टुमारो. और अगर और ऐसे ही वार्तालाप सेशन देखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं. एंड बाय द वे दीज सेशंस आर आल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑन माय चैनल. इट्स आल्सो अवेलेबल ऑन एप्पल गूगल एंड अदर पॉडकास्ट लाइक द 7-8 पॉडकास्ट वेयर आई पब्लिश इट. सो गो चेक इट आउट देयर इफ यू वांट टू हियर इट सी इट. और लाइव तो मैं आती हूँ. गाइज सी यू सून. दिस इज मी आकृति आनंद. बाय. हैप्पी गणेश चतुर्थी. बप्पा जी आपको खूब खूब आशीर्वाद दें.